फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल भेज मोमोज की रेसिपी, जिसे आप यदि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही परफेक्ट मोमोज बनके तैयार होंगे। हम इसमें तीन तरीके से आपको बताएंगे मोमोज कैसे बनाते हैं, वो भी साधारण बर्तन में बिना स्टीमर के। तो चलिए देर न करते हुए इसकी रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। भेज मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम डेढ़ बंधा गोभी, डेढ़ मीडियम साइज का बंधा गोभी को क्रश कर लिए हैं, उसे हम ले लेंगे। चार मीडियम साइज का गाजर लेंगे जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। दो मीडियम साइज का प्याज जिसे हमने छोटी छोटी टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इन तीनों में हम थोड़ा सा नमक मिला के इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें जो है पानी निकलता है, ये पानी छोड़ देता है तो फिर ये मोमोज में स्टफिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए आप इसे 15-20 मिनट के लिए नमक मिला के बिल्कुल छोड़ दें। अब इसे हम ढक के 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब तब तक हम मोमोज का डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम डेढ़ कप मैदा लेंगे। यहाँ पे डेढ़ कप मैदा में हम एक टेबल स्पून तेल डालेंगे। मुझे मोयन नहीं डालना है, बस थोड़ा सा सॉफ्टनेस के लिए तेल डालना है। हाफ टी स्पून हम यहाँ पे नमक भी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर देंगे ताकि ये तेल और नमक इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसे हमें डो तैयार करना है, तो बैचेज में हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल के इसका डो तैयार करेंगे। हम हल्का वार्म पानी यानी हल्का गुनगुना पानी यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से बिल्कुल थोड़ा सा टाइट डो तैयार करेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा ये टाइट डो है, तो इसे मिक्स करने के लिए हम प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा इसे मिक्स कर देंगे। 1-2 मिनट के लिए हम हथेली सी की सहायता से इस तरह से डो को अच्छी तरह से मसल मसल के तैयार करेंगे। तो ये देखिए 1-2 मिनट हमने इसे अच्छी तरह से मसल लिया है, तो डो जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो एक बर्तन में हम डाल देंगे और इसे ढक देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम स्टफिंग के लिए देख लेते हैं। तो स्टफिंग में देखिए पानी छोड़ दिया है, तो इसे हमें पूरा पानी इसमें से निचोड़ लेना है। तो हम एक बर्तन लेंगे और एक कॉटन क्लॉथ्स लेंगे, कोई भी, हमने किचन टॉवल का यूज़ किया है। अब इसमें इसे डाल देंगे और इसे हम पूरी तरह से इसमें पानी निकाल देंगे। हल्का पानी रहने देंगे क्योंकि इसमें नमी भी रहना चाहिए। और इस तरह से इसे हम निचोड़ के इसका पानी निकाल लेंगे। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, आप चाहे तो डो लगा ले या दाल में या सब्जी में इसका यूज कर ले। तो इस पानी बहुत यूजफुल है, इसे आप फेंके नहीं। तो इसे हम साइड रखते हैं और ये जो हमने इसमें इसका पानी निचोड़ लिया, अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे और इसे इस तरह से खोल देंगे। जितना भी वेजिटेबल है इसको इस तरह से खोल देंगे। अब इसमें हम एक टेबल स्पून एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में कटा हुआ लहसुन डालेंगे। तीन हरी मिर्च को हमने काट के डाल दिया, हरी धनिया कटा हुआ डाल दिया। एक टेबल स्पून हमने यहाँ पे काली गोली मिर्च का पाउडर डाला है, नमक पहले भी डाला है इसीलिए आधा चम्मच नमक डालेंगे। और एक क्यूब हम यहाँ पे बटर डालेंगे, चूँकि बटर मेल्टेड नहीं है तो इसे हम थोड़ा सा इस तरह से मसलते हुए मिक्स कर देंगे हल्का सा, और इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मिक्स करने में, तो हम इसे हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए अब ये अच्छा से मिक्स हो चुका है। तो इसे इसमें हम हाथ से जैसे ही बांधते हैं तो इसमें एक बैंडिंग भी आ गया है इस तरह का, देखिए। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब हम डो की ओर देख चलते हैं। तो देखिए डो भी जो है 10 मिनट हो चुका है इसे रेस्ट किए हुए। अब एक बार इसे हम फिर से मिक्स कर लेंगे। ये सॉफ्ट हो गया है, टाइट तो है लेकिन ये अभी भी सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसमें छोटी छोटी लोई बना लेंगे। मोमोज के लिए बहुत छोटी छोटी लोई ही बनती है, तो इसको हम तोड़ लेंगे। लोई को हम बाहर कर लेंगे और इसको हल्के गीले कपड़े से हम ढक देंगे। तो यहाँ लोई हम निकाल लेते हैं क्योंकि इसका हम अब यहाँ पर बेलेंगे। तो पहले छोटी छोटी पूड़ियाँ हम बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर सभी का पेड़ा तैयार कर लेंगे छोटा छोटा। थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे इसके ऊपर ताकि हमें बेलने में सुविधा हो। और देखिए इस तरह से हम पतला पूड़ी बनाएंगे। पूरी जितना पतला रहेगा अच्छा बनेगा, इसका मोटा नहीं होना चाहिए, इसकी थिकनेस एकदम पतली होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये पूरी हमने बना लिया। अब हम आपको इसका थिकनेस दिखाते हैं। ये देखिए ये काफ़ी पतली है, इतना ही पतला इसका थिकनेस होना चाहिए। अब हम इसे साइड रखेंगे और जितना भी है उसको सभी की पूरी हम बना लेंगे। ये जितना भी लोई है इसका बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारी पूरी को बेल लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं मोमोज बनाना। तो ये देखिए इसकी थिकनेस तो आप देखते ही, सारी पूरी है पतली पतली ही बनी है। इसके बीच में आप स्टफिंग डालिए, स्टफिंग जितनी अच्छी तरह से डालिए कोई दिक्कत नहीं है, खूब भरा होना चाहिए तभी मोमोज जो है टेस्टी लगता है। अब इसे ऊपर से उठाएँगे और जैसे हम साड़ी का प्लीट तैयार करते हैं बस उसी तरह से अंगूठा और फिंगर की सहायता से एक पे एक सटा सटा के हम इस तरह से प्लीट बनाते जाएँगे। तो ये आपस में जुटते जाएगा और मोमोज का रूप
लेते जाएगा। तो ये देखिए हमने इस तरह से चारों तरफ से बना लिया, ऊपर में इस तरह इसको आपस में जोड़ लेंगे। अगर एक्स्ट्रा मैदा लगे तो उसे ऊपर से कट करके हटाते। तो देखिए मोमोज जो है बहुत परफेक्ट बन के तैयार है। दूसरा भी हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से हम पूरी लेंगे, बीच में स्टफिंग डाल लेंगे और ये साड़ी की प्लीट की तरह से हम इसे आपस में जोड़ते जाएंगे चारों तरफ से। ये देखिए आप देख सकते हैं कि अंगूठा और फिंगर की सहायता से साड़ी का प्लीट जैसा हम उठाते जाएंगे और इस तरह से इसे आपस में जोड़ देंगे। अगर एक्स्ट्रा लगे तो थोड़ा सा कट कर दें। अब हम दूसरे तरीका से आपको बताएंगे। दूसरे तरीका से के लिए हम यहाँ स्टफिंग डालेंगे पूरी, बस उस सिर्फ बनाना हम दिखाएंगे दूसरे तरीके। तो इसमें भी हम यहाँ पे प्लीट बनाएंगे साड़ी की तरह ही, लेकिन हम इसमें हाफ ही बनाएंगे, हाफ प्लीट बनाएंगे। और देखिए और आधा जो बच जाएगा उसको आपस में एडजस्ट कर देंगे इस तरह से फैलाते हुए, और देखिए आपस में हम जोड़ देंगे। ये देखिए आप उस तरीके से ही बना सकते हैं और इस तरीके से ही बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही परफेक्ट तरीका है। ऐसे भी आप मोमोज का आकार दे सकते हैं। अब एक तरीका जो हम पलकिया बनाते हैं उस तरह से बना के और इस तरह से आपस में मोड़ देंगे। देखिए बहुत ही ईजी तरीका है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं मोमोज। तो ये हमने तीन तरीका आपको बताया। आप सभी मोमोज को हम हल्का भींगा हुआ कपड़ा से ढक देंगे चूँकि सूखे नहीं। अब यहाँ पर हम स्टीम करेंगे। तो इसके लिए हमने एक जालीदार बर्तन लिया है, स्टीमर नहीं लिया है। इसको अच्छी तरह से ग्रीस करें, ये नहीं कि थोड़ा बहुत कर ले, अच्छी तरह से तेल लगा के अच्छी तरह से ग्रीस कर ले ताकि नीचे बिल्कुल सटे नहीं। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लिया है। अब इसमें सारे मोमोज जितना एडजस्ट हो सकता है सभी को हम इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरह से हम फैलाते हुए, थोड़ा थोड़ा जगह रहना चाहिए ताकि ये फूलता है तो थोड़ा फैल सके। अब यहाँ पे एक लीटर पानी हमने डाल के इसे गैस पे चढ़ा रखा है बड़े बर्तन में, जिसके ऊपर हम इस तरह के जालीदार बर्तन को रख सकें। अब इसके ऊपर हम इसे डाल देंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखेंगे और इसे हम ढक देंगे 15 मिनट के लिए करीब। हम इसे ढक के छोड़ देंगे। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुका है। तो हम इसकी को हटाते हैं थाली को। देखिए अब ये देखिए बिल्कुल तैयार है मोमोज। आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है और काफ़ी फूल भी गया है। तो बिल्कुल मोमोज जो है परफेक्ट तैयार है। अब हम इसे उतार लेंगे और बिल्कुल ठंडा होने देंगे। गर्म में आप ना निकालें नहीं तो नीचे सड़ सकता है। तो ये ठंडा होने के बाद देखिए किस तरह से निकल जाता है, बहुत ईजिली निकल जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट निकलेगा। कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जब मोमो बनाने वक्त। तो अब इसको हम एक थाली में निकाल लेंगे, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ही उसे निकालें। तो ये ठंडा हो चुका है तो हम इस सारे मोमोज को थाली में शिफ्ट कर देंगे और ये जो बर्तन है इसको फिर से ग्रीस करेंगे। क्योंकि हमने अब यहाँ पे 32 मोमोज तैयार किया है, जितना हमने लिया है इस मात्रा में 32 मोमोज तैयार हुआ है। तो इसमें हम फिर से सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसको ग्रीस करते हुए सारे मोमोज को एडजस्ट कर देंगे और इसे फिर से 15 मिनट के लिए हम स्टीम होने के लिए चढ़ा देंगे। वो जब तक अपना तैयार हो रहा है, इधर हम आपको एक मोमोज तोड़ के दिखाते हैं। देखिए इसकी स्टफिंग देखिए कितनी भरी भरी, कितनी परफेक्ट है और साथ में काफ़ी ट्रांसपेरेंट भी है। तो देखिए मोमोज जो है बिल्कुल बनके तैयार है। चटनी के साथ इसे सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। ऊपर से हम थोड़ा सा मेल्टेड बटर डालेंगे ताकि इसकी सॉफ्टनेस बनी रहे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा मेल्टेड बटर डालें और सर्व करने से पहले, और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दे, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मोमोज जो है बिल्कुल तैयार है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएँ ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आपको मिल सके। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव और सोशल मीडिया में इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।